वन मंडल डलहौजी में कार्यरत असमयकाल का ग्रास बने मेल निवासी वन रक्षक गोल्डी कुमार के पीड़ित परिवार की सहायता के लिए वन मंडल डलहौजी के अधिकारियों व कर्मचारियों ने आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। मंगलवार को डीएफओ कमल भारती ने वन मंडल कार्यालय डलहौजी में मृतक वन रक्षक गोल्डी कुमार की पत्नी रिम्पल को 80,000 की FD आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की। ये आर्थिक मदद विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने वेतन से एकत्रित की थी। गौर हो कि वन रक्षक गोल्डी कुमार का देहांत मई माह में हो गया था। गोल्डी की अकाल मौत से पत्नी रिम्पल पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। नमस्ते, जो अपन मेरे फर्स्ट में पति कार्ड है उन्होंने वो खत्म हो गया और वन मंडल ने मेरे परिवार की बहुत सहायता की कर रहे हैं और ये बोलते हैं कि आगे भी करेंगे। बड़ा बड़ा धन्यवाद। और उन्होंने राशि धन 80,000 भी मेरे को मस्त करवाई और भी करवाई है और मेरे इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरी बहुत सहायता करवाई है। थैंक यू। हमारे डिवीजन के एक वन रक्षक स्वर्गीय श्री गोल्डी जी, जिनका कुछ माह पूर्व आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों, मैं उनकी पत्नी है, 4 बच्चे हैं, तो उनकी आर्थिक मदद के लिए डलहौजी वन मंडल के कर्मचारियों अधिकारियों ने कुछ अनुदान राशि एकत्रित की और आज करीब 80,000 रुपये की FDR बना के हमने उनकी पत्नी जी को सौंप दी ताकि उनकी कुछ आर्थिक मदद उनकी और उनके बच्चों की भविष्य में हो पाए। बाकी जो भी सरकार की तरफ से उन्हें राशि मिलनी थी वो उन्हें प्रदान कर दी गई है और उनका जो केस है हमने सरकार को भेज दिया है नौकरी का, तो जैसे ही उस पर कार्रवाई होगी तो उनको ये उनको ध्यान में ये ला दिया जाएगा और जो सरकार से आगे भी उनकी मदद होगी वो हम करते रहेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज की रिपोर्ट।